हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम राहुल। आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब कैसे हैं दोस्तों? आई होप अच्छे ही होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। आगे से लेफ्ट लेना है पुल के नीचे से। दोस्तों आज मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं, नाम जान लेते हैं उनका क्या है और कितने डेज हो गए हैं और कहाँ से आते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ड्राइविंग सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो पहली बात तो आप निराश मत हो। कुछ लोगों की आदत होती नहीं, सर मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं कर पाऊँगा, क्या मैं नहीं सीख पाऊँगा। तो आप खाम में अपना मॉरल डाउन ना करें, क्योंकि ये एजुकेशन वाली रोल नहीं है, ये मल्टीटास्किंग है। आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हो भाई। एक घर में चार भाई बहन होते हैं तो उनका माइंड सेटअप एक जैसा नहीं होता है, तो आप कैसे कर सकते हो। बस कोशिश ये, किसी को हफ्ते में आ जाती है, किसी को 10 दिन लगता है, किसी को 15 दिन लगता है, किसी को 1 मंथ भी लग जाता है। तो आपको निराश नहीं होना है, लगे रहो, मंजिल बहुत जल्दी मिलेगी आपको। आपका फोकस पूरा गोल पे होना चाहिए। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं अपने चैनल पे ड्राइविंग से रिलेटेड वो आप तक पहुंच सके और आप उससे कुछ ना कुछ नया सीख सकें। वीडियो सब वही रहती है, सब कुछ वही रहता है डेली का, लेकिन कुछ ना कुछ अलग चीज़ें रहती है। कुछ रूड अलग रहते हैं, कुछ स्टूडेंट अलग रहते हैं, किसी की कोई बात क्लिक कर जाती है, किसी की कोई बात क्लिक कर जाती है, तो उससे क्या होता है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है दोस्त। तो बस यही वीडियो बनाने का मोटिव है। और काफ़ी लोग कॉल भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं, अच्छा लगता है कि थैंक गॉड मैं जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, सीधा जाना स्ट्रेट। तो दोस्तों बस अभी तक आपने इतना प्यार दिया, आगे भी प्यार की ज़रूरत है। इसी तरीके से आशीर्वाद बनाइए रखिएगा। अपने स्टूडेंट का नाम जान लेते हैं, क्या नाम है? हेलो ब्रदर, क्या नाम है आपका? सुधीर कुमार गुप्ता। सुधीर कुमार गुप्ता, कहाँ से आते हैं? ये इंदिरानगर से। इंदिरानगर से कितने डेज हो गए आज आपको ड्राइविंग करते हुए? आज 7 डेज। 7 डेज। आपको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर कहाँ से मिला? ये आपका वीडियो देखते हैं ना, वीडियो देख के दे। तो आपके घर के पास में दो दो ड्राइविंग स्कूल हैं, तो आपने मुझे क्यों चुना? आपके घर के जस्ट बगल में सोनू मोटर ट्रेनिंग है और गुंजा मोटर ट्रेनिंग है, सही है? आपका सिखाने का तरीका जो है वो बहुत बढ़िया है, उससे जो है बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है। अच्छा, और कोई बात नहीं, यही है बस। दोस्तों इनके जस्ट घर के बगल में सोनू मोटर ट्रेनिंग, क्योंकि सीओ ऑफिस के जस्ट बगल में इनका घर है, यहीं पे आपका शिखर हॉस्पिटल के पास हो, आपका जो ये है सीओ ऑफिस के नीचे सोनू मोटर ट्रेनिंग है, ठीक है? गुंजा मोटर ट्रेनिंग इनके अपोजिट में रहता है। तो दोस्तों मैं ये नहीं कहूँगा आप किसी से भी सीखें, लेकिन ट्रेनर का काम होता सिर्फ बताना समझाना, करना ना करना आपका काम है। अगर आपके सामने कॉफ़ी रखी आप पियोगे नहीं तो बता नहीं सकते हो कि फीकी है मीठी है। दोस्तों उसका टेस्ट लेने के लिए आपको उठा के पीनी पड़ेगी। तो उसी तरीके से वीडियोस को, बहुत कुछ वीडियो से आपको सीखने को मिलता है। आगे से लेफ्ट लेना है और कुछ चीज़ें जो आपको माइंड में रखनी है, बेसिक प्रैक्टिकल तो ज़रूरी नहीं है, उसके साथ साथ बेसिक भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज इनको 7 डेज हो चुका है और ये बहुत एक्साइटेड हैं और बहुत टेंशन भी लेके चलाते हैं, तो मैंने परसों इनकी टेंशन दूर कर दी। बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे थे कि भाई क्या होगा, मौला ही जाने क्या होगा, लेकिन मैंने इनसे कहा मुस्कुराते रहो, ज़िंदगी बहुत अनमोल होती है, टेंशन चिंता चिता तक ले जाती है, हंसो और मुस्कुराओ, जो होना है वो होगा, कल को सोच के मत जियो, आज अच्छे से जियो। तो दोस्तों इनको मुझे ट्रेन करना है और मैं कर भी दूंगा इनको, क्या सभी को मैं ट्रेन करता हूँ, ऐसा नहीं कि ये स्पेशल है मेरे लिए, लेकिन हाँ ये कि जो इंसान ज़्यादा सीरियस होता है, मैं भी उसके साथ बहुत सीरियस होता हूँ। तो अभी इनको 7 डेज हो गया और अच्छी खासी कार ये चला ले रहे हैं, मेरा कोई सपोर्ट नहीं, मेरी क्लच ब्रेक पीछे है, देख लो सूज वूज निकाल के मैं बिंदास बैठा हूँ, एकदम चौड़ा हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं स्टूडेंट को कार दे भी देता हूँ कई बार चलाने के लिए, अगर अच्छा चलाता है। क्योंकि कई बार ये होता है कि जब हम बगल में बैठते हैं तो स्टूडेंट के माइंड में ये रहता है कि मेरे बगल में ट्रेनर बैठा, कुछ 19-20 होगा तो वो संभाल लेगा, और जब वो अकेले चलाता है तो 100% उसका पूरा फोकस होता है कि उसको सभी चीज़ें ऑपरेट भी करना है, गाड़ी को कंट्रोल भी करना है, वहाँ पर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। तो दोस्तों 5 डेज, 7 डेज, 10 डेज और 15 डेज का कोई रोल नहीं होता है। मेरे पास कुछ ऐसे भी स्टूडेंट आए जिनको 15 दिन की बजाय 1.5 महीना लग गया है और सीखें, क्योंकि रोड फीविया होता है, कुछ लोगों को डर लगता है। अभी एक स्टूडेंट मेरे पास और भी बैठे हैं, उनसे जान लेते हैं कि उनकी हालत क्या थी और आज क्या है। क्या नाम है आपका? अजय प्रधान। अजय प्रधान जी, कहाँ से आते हैं आप? आप महेंद्रनगर ए ब्लॉक से। ए ब्लॉक से, बेसिकली आप क्या करते हैं? ये कृषि, खेती का काम। ओके, खेती का काम करते हैं। चलिए आज कितने डेज हो गए आपको ड्राइविंग करते हुए? ये 10 दिन। 10 दिन फर्स्ट डे से, और 10 डेज के अंदर क्या कॉन्फिडेंस रहा है आपके अंदर? आगे से राइट लेना, गोल चक्कर से। कॉन्फिडेंस ये है कि अगर मुझे गाड़ी मिल जाएगी तो मैं इसको हॉस्पिटल या कहीं भी ले जाके आराम से जा सकता हूँ, मस्त मिल जाएगी। जा सकते हो, मतलब इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि कार अगर आपको दे दी जाए तो आप अकेले ले जा सकते हैं, बिना लड़ाए भिड़ाए आराम से।
देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट और सेकंड ही होता है और रिवर्स होता है, बाकी थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ जो है वो बहुत इजी होता है ना, उसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। तो फर्स्ट डे में जब आप चला रहे थे, जब स्टीयरिंग नहीं संभल रही थी, और आज आप करीब 8 से 10 किलोमीटर गाड़ी दौड़ा देते हैं आधे घंटे के अंदर, पूरा इंदिरा नगर, भूतनाथ, लेखराज, ये सारा आपके वजह से। आप नहीं, देखिए वो आपकी मेहनत है, मेहनत रंग लाती है ना जी। तो टीचर का काम होता है तरीका बताना, समझाना। आप प्यार से समझाते नहीं, हैं एज ए फ्रेंड होके समझाते हैं तो समझ में आता है। देखिए होता है क्या ब्रदर, मेरा काम बस इतना है कि मैं जिसको भी ड्राइविंग सिखाता हूँ एज ए फैमिली मेंबर, एज ए छोटा भाई, एज अगर मेरे से बड़ा है तो ड्राइविंग सीट पे बैठा तो मेरा स्टूडेंट है, वो गाड़ी से नीचे उतरते वो फिर जो भी है रिलेशन है, बड़ा है तो एक बड़ा भाई हो गया या ज़्यादा अंकल हो गए। तो बस मेन मकसद ये रहता है कि आप लोग मेरे पास आए हो, कुछ सोच के आए हो, तो मैं जितना ज़्यादा से ज्ञान बांटने से कोई कम होता नहीं है। मोटर ट्रेनिंग वो नहीं, स्कूल चला रहे, स्कूल पर्पस से आप नहीं सिखाते हो कि मुझे पैसे कमाने, नहीं नहीं नहीं, आप दोस्त बनकर सिखाते हो, इससे आदमी को मोरल सपोर्ट मिलता है। हाँ तो पैसा, देखिए पैसा तो अजय जी हिंदुस्तान में जितना पैसा सब अपने ही है, तरीके बहुत हैं पैसे कमाने के, जरूरी नहीं किसी का गला काटा जाए या किसी नहीं, को नहीं, नहीं। आगे से लेफ्ट या किसी को मतलब किसी का मॉरल डाउन किया जाए, कुछ ऐसा काम करो कि पैसे के साथ साथ आपको इज्जत भी मिले, सम्मान भी मिले और प्यार भी मिले, है ना। तो बस उसी पे लगे हुए हैं। अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सर। ये अजय प्रधान जी थे जो कि मेरे पास ड्राइविंग सीख रहे, 10 डेज हो गया, ए ब्लॉक इंदिरा नगर रहते हैं और बहुत ही सज्जन आदमी हैं, इनका नेचर बहुत ही गुड है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे आते हैं ड्राइविंग सीखने की जिनसे रिलेशन काफ़ी टाइम तक बिल्ड हो जाते हैं, ऐसे रिलेशन हो जाते हैं जो फैमिली एकदम घर वाले, काफ़ी सारे मेरे दोस्त बन चुके हैं इसी ड्राइविंग के थ्रू। अभी बर्थडे वाले दिन कितने लोगों ने मुझे विश किया, कितने लोगों ने कॉल किया, कितने लोगों ने ऑनलाइन मुझे गिफ्ट भी भेजे हैं। पुणे से एक मैडम है सीमा मैम करके, उन्होंने मुझे एक पेन भेजा है, एक वॉच आई है मुझे महाराष्ट्र, कई चीज़ें मेरे को बाहर से आई हैं। मेरे जो स्टूडेंट हैं जो ड्राइविंग सीख रहे हैं उसके आपका क्या बोलते हैं ऑनलाइन वीडियोस के थ्रू से। तो दोस्तों ये सब प्यार है, पैसा तो आप कहीं भी कमा सकते हो लेकिन जो प्यार है ये खरीदा नहीं जा सकता है, इज्जत खरीदी नहीं जा सकती है, आशीर्वाद खरीदा नहीं जा सकता है, तो ये कमाया जाता है। तो इसी तरीके से लगे हैं दोस्तों, बाकी देखते हैं कि आज ये कैसे कार चला रहे हैं। बाकी अभी इन्होंने स्पीड ब्रेकर पर क्लच लिया हाफ और ब्रेक ले लिया, कार को बहुत प्यार से निकाल लिया। तो ये व्हाइट लाइन जो होती है ये एज ए डिवाइडर है, इससे आपको लेफ्ट में अपनी कार रखनी ताकि सामने से जो भी गाड़ियां हैं वो अपना राइट से निकल जाएं। अभी कौन से गियर में गाड़ी है आपकी? सेकंड गियर में। गुड, वेरी गुड। आगे टी पॉइंट से लेफ्ट लेना है आपको, लेफ्ट मुड़ने से पहले कौन सा सिग्नल देंगे आप? लेफ्ट का। अभी ये स्पीड ब्रेकर आ गया है, गुड, काफ़ी बड़ा ब्रेकर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सेकंड गियर में आपने निकाल दिया, अगर आप क्लच नहीं लेते तो गाड़ी आपकी बंद हो जाती, इंजन बुझ जाता। अब यहाँ से लेफ्ट जाना है, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, हॉर्न चारों तरफ नज़र डालो। अब लेफ्ट जाना तो राइट हमको पहले देखना होता है, खतरा किस साइड से होता है? राइट साइड से, ठीक है, चलते रहो, जाने दो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे खड्डे काफ़ी हैं, पहले से डिसाइड करो कि गाड़ी किस साइड से आप निकालोगे। थोड़ा सा ध्यान से, हाँ, स्टीयरिंग पकड़ने का जो तरीका होता है बहुत लाइटली पकड़ते हैं 3 और 9 क्लॉक टाइम, ताकि स्टीयरिंग को आसानी से आप घुमा सकें, क्योंकि जो आपके टायर होते हैं गाड़ी के वो स्टीयरिंग से ही कनेक्ट होते हैं। अगर आप स्टीयरिंग गलत डायरेक्शन में पकड़ोगे तो गाड़ी आपकी गलत डायरेक्शन में जाएगी। स्टीयरिंग को हमेशा एकदम लाइट पकड़ना होता है, उसको ग्रिप नहीं बनानी होती, जैसे कि अभी देखो गुप्ता जी ने पकड़ रखा है। कुछ लोगों की हैवी डर होती बाइक स्कूटी चलाने की तो इतना हार्ड पकड़ लेते हैं क्योंकि वो स्टीयरिंग छोड़ते नहीं, कई बार मुझे ज़बरदस्ती करनी पड़ती, मैं अपनी तरफ खींचता हूँ वो अपनी तरफ खींचते हैं, यही हालात हो जाते हैं। तो हाँ, कई बार अक्सर हुआ है ऐसा कि गाड़ी गलत टर्न कर दी और मैं स्टीयरिंग अपनी तरफ खींच रहा हूँ, सीधा जाना, वो अपनी तरफ खींच रहे हैं, अब इमरजेंसी फिर इस तरीके से ब्रेक मारनी पड़ जाती है, सामने जाना है। तो स्टीयरिंग को जितना आप लाइट पकड़ोगे और कार बहुत ईजी, बस एक बार समझ जाओ आप, उसके बाद तो बहुत आसान है, जाने दो, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गुप्ता जी मुस्कुराइए, आप लखनऊ में, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन ना लेना है ना देना है। कुछ लोग कहते हैं लेने को नहीं देने को, देना भी नहीं है भाई, समझ रहे हो, रिवर्स में उससे डबल मिलती है, उससे डबल वाइब्रेशन कहीं ना कहीं जाता है। अगर आप किसी के बारे में गलत सोचोगे ना तो उसके मन में आपके तहत गलत ही जाएगा, अच्छा नहीं जाएगा। अच्छा बोलोगे तो अच्छा ही होगा आपके साथ, ठीक है।
बस बाकी आप अच्छे इंसान रही हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा मुस्कुराते रहते हो, चेहरे पे हमेशा 360 डिग्री से मुस्कुराहट रहती है, एकदम हंसते रहना चाहिए, हंसने से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, है ना। ईश्वर ने सभी को एक बहुत प्यारी सी चीज़ दी है, स्माइल, है ना, बहुत प्यारी सी चीज़ दी स्माइल, जो बड़े बड़े दुख, बड़े बड़े लड़ाइयों को शॉर्ट आउट कर देती ना, मुस्कुरा के। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुस्कुराहट पे फिदा हो जाते हैं ना, मतलब लोगों के, मतलब होता है ना एक लोगों को और कॉन्टेक्ट करना, लोगों से बात करना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बात करते करते आपके दिल में उतर जाएंगे। तो ये सब गॉड गिफ्टेड है, तो ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। मैं अपनी लाइफ के बारे में अगर आपको बता दूँ स्ट्रगल कितना किया है तो आप रो दोगे, लेकिन नहीं, हमेशा खुश रहता हूँ और दूसरों को भी खुश रखता हूँ। बस आगे से राइड लेना है गोल चक्कर से, वही आदमी सक्सेस भी होता है। बस देखिए, आप अगर ईमानदारी से काम करते हैं, सब कुछ मेहनत करते हैं, समय लगेगा। अब पता नहीं हमारा आपका व्यवहार बन जाएगा तो ये तो सीखना सिखाना रोक लो, रोक लो भैया, मैंने इससे पंगे ना लिया करो, पहला गियर करो, समझ रहे हो, इससे पंगे लोगे तो फिर ये, समझ रहे हो क्या होगा, कई क्विंटल लोहा लगा रखा उसने अपनी गाड़ी में, उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, सरकारी संपत्ति है, नगर निगम, समझ रहे हो, उल्टे केस आपके ऊपर ठोक दिया जाएगा, पढ़ा लो केस की तो बाद अभी जमादार इकट्ठे हो जाएंगे वो गाते सही कह रहे हो, इतना जमादार है वहाँ पे, कोई नहीं। देखो एक गाड़ी के पीछे लिखा था, जिनको जल्दी थी वो चले गए, तो जल्दी का काम होता है शैतानों का। मेरे कहने के हिसाब से अगर आपके साथ, आपको इलाहाबाद जाना, कोई 100 की स्पीड में जाता है, आप जाते हो 60 से 70 80, बहुत से बहुत 15 से 20 मिनट का ही फ़र्क होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन उसमें 100 की स्पीड वाले के साथ कई घटना घट सकती है, कई नुकसान हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, समझ रहे हो। तो धीरे धीरे चीज़ों को समझना और करना है, तो इसी तरीके से आप चलाते जाओ, मुस्कुराते जाओ, नौकरी वोकरी की टेंशन छोड़ दो, नौकरी और छोकरी अपने आप मिल जाती है। कौन सा गाना आया था, जब नौकरी मिलेगी तो छोकरी मिलेगी, आया था ना, तो बस आप नौकरी की टेंशन छोड़ दो, नौकरी तो मैं आपको दिलवा दूंगा, टेंशन ना लो, बस आप ड्राइविंग सीख जाओ, लाइसेंस बनवा लो, नौकरियां खुद चल के आएंगी आपके पास। बिल्कुल, आपके हुनर पे अपने आप चल, आप अपने अंदर आप अपने अंदर एक ऐसी अपनी वैल्यू बनाओ ना कि दुनिया खुद दौड़ के आएगी। मैं जाता हूँ किसी के पास नहीं जाता हूँ, दुनिया आती दौड़ के मेरे पास, तो मुझे घमंड नहीं है क्योंकि मैंने वर्क ऐसा किया है ना। वॉल पेंटिंग से सर का नंबर लेके बात करना है, मुझे समझ में आया, वो डन कर दिया। नहीं बस, मेरे जैसे आपके सोनू वोनो मेरे अगल बगल बहुत से, यहाँ लेफ्ट में रुको, मुस्कुराते हो और प्रधान जी को सर गुड डे, चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं, बाय बाय, पहले गियर में करके आगे से लेफ्ट लेना है मुस्कुराते हुए, चलो बाय बाय, धीरे से आगे से लेफ्ट, धीरे 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 यहाँ से लेफ्ट। तो दोस्तों ये अपने गुप्ता जी हैं, क्या नाम बताया था आपने, सुधीर गुप्ता जी, तो मुस्कुराइए ये, और थोड़ा मुस्कुराइए, वेरी गुड, खुश रहा करो, ठीक है, हंसते रहा करो, टेंशन मत लिया करो, कल आपका चेहरा बहुत उतरा हुआ था, समझ रहे हो, इसलिए ऐसे आप मेरे से उम्र में बड़े हो, लेकिन ऐसे अभी मैं आपका टीचर हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, नौकरी वोकरी सब टेंशन दूर, आपके परेशान होने से आपकी पूरी फैमिली परेशान होती है, आप क्या कह रहे थे, बिटिया क्या कह रही, पापा टेंशन बात नहीं करते, है ना, तो देखो बाहर की टेंशन बाहर छोड़ के जाया करो, घर जाओ आराम से, बाल बच्चों में आराम से बिंदास, जो होना है ठीक है, कोई दिक्कत है, मेरे लायक कोई सेवा है बताओ, मेरे लायक कोई भी मदद है किसी भी चीज़ को लेके, जितनी मेरी औकात है आप मुझे कभी भी याद कर लेना, ऐसा नहीं कि मैं ड्राइविंग सिखा रहा हूँ तो अभी तक बात खत्म, मेरा नंबर आपके पास है, मेरा ऑफिस देख लो, कभी कोई दिक्कत होती आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, एज ए छोटा भाई जो मेरे से मदद होगी मैं करा दूंगा। नौकरी वोकरी तो मैंने दो लोगों से कल बात कर ली आपके लिए, आपका जैसे भी कंप्लीट होगा लगवा देंगे, आपके अगल बगल मिल गई तो ठीक है, नहीं 12 से 15 हज़ार रुपये सैलरी में मैं 100% आपको लगवा दूंगा गोमती नगर में, ठीक है, टेंशन फ्री होके। तो दोस्तों ये अपने मित्र हैं, कर भला तो हो भला, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।